के ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 16 रोज की तौसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफीक को 4 मार्च को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद सकलैन जावेद से। जी क्या तफसीलात है? जी इरमला एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को पेश किया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद उनके जुडिशियल रिमांड में 16 रोज की तौसी कर दी है। अदालत ने ख्वाजा बरादरान को 4 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इससे कबल ख्वाजा बरादरान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पूरा होने पर अदालत के रूबरू पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने उनके जुडिशियल रिमांड में मजीद तस्दीक कर दी है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में ख्वाजा बरादरान पर इल्जाम है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के माली फायदे हासिल किए और ये और उनके फैमिली में 16 रोज की तौसी कर दी गई है।